आई बिलीव अनफेयर था ओनली ऑन द बेसिस, क्योंकि जो नॉमिनेशन उस दिन हुई थी वो प्योरली ऑन चीटिंग बेसिस हुई थी. आई एम श्योर सबने एपिसोड में देखा ही है कि वो टेलीफोन उठाना था जिस जो अभिषेक ने उठाया, ईशा संचालक थी, तो उसने कहा नहीं अभिषेक के हाथ में फ़ोन नहीं था, समर्थ के हाथ में फ़ोन था. सो ऑन दोज ग्राउंड्स मैं बोलती हूँ अनफेयर था. अगर उस प्रक्रिया को बहुत फेयर तरीके से किया जाता और मेरा नाम आता मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट बिकॉज अनफेयर तरीके से मुझे नॉमिनेट किया गया सो डेफिनेटली अनफेयर है. आपके बाद नील तुरंत निकले, क्या आपको लगता है कि ये जो दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को निकालना वाज वेरी अनफेयर फॉर द पीपल, लाइक प्रेडिक्टेड विनर को विन कराना? डेफिनेटली दो स्ट्रॉन्ग भी कह लो और क्योंकि दो सेंसिबल थे. अगर हम कहते हैं बिग बॉस इस टाइम डिफरेंट है, तो इस टाइम डिफरेंट सिर्फ नील और मैं थे इन द, जब तक मैं वहाँ थी उस मैं बात कर रही हूँ, बाकी तो सारे एक जैसे ही थे, लड़ते रहते थे, आर्ग्यू करते रहते थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, एक दूसरे को एक दूसरे के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जलील कर रहे थे, कुत्तापन कर रहे थे, जो ये चीज़ें नील और मैं नहीं कर रहे थे. तो फिर बिग बॉस डिफरेंट है बट सेम है. I have not, I will not say I have learnt something from Big Boss. हाँ learn मैंने ये ज़रूर किया है, हमने ये अक्सर dialogues में बोला है या कहानियों में सुना है या किसी के साथ कुछ हादसा हुआ सुना है कि इंसान कितना कमीना हो सकता है. ये मैंने Big Boss में देखा कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान की vulnerability को इस्तेमाल कर सकता है. जैसे ना एक टास्क आया था हमारा गिद्ध, गिद्ध के आगे मास्क डालो, ये मैंने ह्यूमन फॉर्म में बिग बॉस में देखा है. इट्स एंड मैं रो पड़ी थी, मेरे आंसू, रो मतलब मेरे आंसू निकल गए थे कि यार कोई ऐसे कैसे कर सकता है यार, कोई अपने एकदम वल्नरेबल स्टेज में और दूसरे आके ऐसे कि आ हम तुझे नोचेंगे, यू नो, जैसे वल्चर को एक मांस मिला है. सो ये सब मैंने सीखा नहीं पर देखा, सुना तो बहुत था इन लाइफ, बट आई विटनेस में. मुझे नील ने पूछा भी था कि आप क्यों इतना इफेक्ट हो रही है, यू नो ये सब तो होता है. आई सेड हाँ पर शायद आज जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ तो इसीलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है. यस जिग्ना जी और आपकी दोस्ती कई हद तक बहुत अच्छी प्योरिटी वाली दोस्ती थी, और वो जो नॉमिनेशन हुआ था जो आप तीनों का था जो एक बार जाएगा उसमें भी काफी चर्चा हुई बाहर से, ग्रेस पीरियड जिग्ना जी हाँ नावेद ने बहुत एफर्ट डाला था फ्रॉम समवन जो एकदम अलग कंट्री कल्चर वैल्यूज लैंग्वेज बीइंग द बिगेस्ट बैरियर, क्योंकि जब तक नावेद को सिचुएशन समझाई नहीं जाएगी वो अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाएगा. तो बट जिस दिन नावेद घुसा से जिस दिन नावेद ने एग्जिट ली, नावेद में बहुत कमेंडेबल यू नो एक चेंज था फॉर द गेम फॉर बेटर. जैसे मैंने उसे ये देखा था कि क्योंकि उसे कॉफ़ी चाहिए होती थी तो वो उसके लिए अपने लोगों को बना के भी रखा था उसने कि यार मैं इनसे पंगा ना लूँ चाहे वो कॉफ़ी के लिए क्यों ना हो. तो सो आई फेल दैट नावेद शुड हैव स्टेड डेफिनेटली. आयशा के आने के बाद मुनावर और मनारा की दोस्ती में काफी चेंजेस बदला हुआ है. हाल ही में जो हुआ सबने देखा, आप वो दोस्ती पे और हाल ही में जो हुआ इंसिडेंट उस पे क्या कहना चाहते हैं? आयशा के आने के बाद मुनावर और मनारा की दोस्ती में चेंजेस आए, वो बढ़ गए चेंजेस, पर चेंजेस पहले आ चुके थे है ना, क्योंकि कई बार मुनावर को ये फीडबैक मिला गया था वीकेंड के बाहर पे दैट हट जाओ आगे बढ़ो मत करो, ये तुम अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए कहाँ खड़े रहते हैं. तो ऑलरेडी मुनव्वर को थोड़ा वो एक था कि यू नो, और मुनव्वर ने बनाने के लिए रिश्ते नहीं बनाए थे, गेम के लिए, व्हाट आई मीन उसने ऑर्गेनिकली बनाए थे. अब हाँ ये हो सकता है कि किसी के साथ एक 10 मिनट का रिश्ता है, किसी के साथ एक घंटे का रिश्ता है. कहने का मतलब ये कि मैं शायद इस इंसान के साथ 10 मिनट तक बात कर सकती हूँ बट इसके साथ ना मैं घंटा भर भी बैठ के चर्चा में लगी रह सकती हूँ. तो मुनव्वर के रिश्ते फेक नहीं थे बट मुनव्वर और मनारा के बीच में ऑलरेडी थोड़े थोड़े वो डिस्टेंस आ रहा था क्योंकि दिस वाज द फीडबैक गिवन टू मुनव्वर राइट. और उस दौरान आयशा आ गई तो अब वो पहले अपनी जिंदगी को सही करे कि मनारा को वो अटेंशन दे, बट मनारा बीइंग मनारा उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए क्योंकि दोस्ती उसके लिए वही है.
कि आप मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, अब मेरा फन कौन करेगा मैम, अब मैं बात किससे करूँगी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मनारा मैं तेरे साथ 4 घंटे बात नहीं कर सकती, मैं 1 घंटा बात कर सकती हूँ, यू नो एज अ फ्रेंड दिस इज़ व्हाट आई कैन डू फॉर यू। बट वो जो तेरा फन, तेरी वाइब, तेरी ट्राइब है भैया, मैं वो पूरी नहीं कर पाऊंगी। तो दैट यू सी रिंकू जी, एक बात है, मैंने 5th हफ्ते बाद जब मम्मी और सिस्टर का इंटरव्यू हो रहा था, मैंने एक सवाल पूछा था उनसे, उनका जवाब मैं बताऊंगा, पहले आपका सवाल जानना चाहूंगा कि अंकिता ने ना लगभग 6 बार एक शख्स का नाम लिया जो इस दुनिया में नहीं है। हाँ, मैंने भी ये सुना है। हाँ, तो काफी लोग का बाहर से मिक्स रिएक्शन था कि ये एक मुद्दा हो सकता है कि टीआरपी और मिले अंकिता पर्सनली, अंकिता को लोग अभी भी आफ्टर 2-3 इयर्स अभी भी ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं डेली। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैंने ये सवाल पूछा था आपकी मॉम से, उनका भी रिएक्शन मैं बताऊंगा आपको, बट आपका टेक क्या है, क्योंकि आपने भी सुना होगा एक दो बार। मैंने एक बार सुना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभिषेक के साथ जब था तभी नहीं, मैंने अभी लास्ट में सुना था, दिन का वक्त था, अंकिता मैं और उस टाइम आयशा, तो हम तीनों थे और एक और जन था मुझे याद नहीं, पर हम 3 जन डेफिनेटली बैठे हुए थे और अंकिता उनके बारे में कुछ बता रही थी, बेसिकली पवित्र रिश्ता की भी बातें कर रही थी। पवित्र रिश्ता का जो आखिरी सीन था उसमें सुशांत सिंह आए थे एंड हाउ दैट सीन वॉज शॉर्ट एंड देन उस सिलसिले में फिर वो आगे बढ़ गई कि अब वो नहीं है, यू नो कैसे होती है लाइफ है वो। तो मेरे साथ पर्सनली अगर मैं बोलूँ, मैंने पहली बार ये कॉन्वर्सेशन उनके मुंह से सुनी थी, कई लोगों के साथ उन्होंने की होगी पर मुझे नहीं पता। व्हाट आई थिंक अबाउट योर टॉकिंग अबाउट एक्स, यू नो जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत एक टाइम पे रखते थे और आज जो ज़िंदगी में है ही नहीं, दुनिया में है ही नहीं, एज एन एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड, यू नो एवरीथिंग कैन बी, मतलब हाँ क्यों आप वो बात करिए पवित्र रिश्ता की दम पे, आप सुशांत सिंह की बात कर रही हैं या आप जेन्युइनली पवित्र रिश्ता के बारे में, पर आपने इंसिडेंट तो वही सुनाया कि भाई जो लास्ट सीन था जिसमें वो सुशांत सिंह को बुलाया गया था शूट पर, सो आई रियली डोंट नो, बट या जो पास्ट है वो पास्ट है। Yes. ये तो बिग बॉस भी बोलते हैं, भूतकाल नहीं वर्तमान और भविष्य काल में रहिए, भूतकाल हो गया, जो पिछले हफ्ते एयर पे आया वो खत्म, आगे क्या। सो आई डोंट नो, या इट कैन बी होपफुली नॉट अ कैलकुलेटिव मूव, बट देन ये प्लेटफॉर्म जैसे यू नो पीआर टीआरपी अपने आप को आगे बढ़ाना वोट्स, ये इतना प्लेटफॉर्म इन चीज़ों से है कि एनीथिंग इज पॉसिबल। I'll take 2 names and tell me who is more well prepared for this game, Munawar or Ankita? किसने homework बहुत अच्छे से किया? मुझे लगता है दोनों ने ही किया होगा अपने अपने तरीके से। Reason being उन दोनों को जितना मैंने उनके मुंह से सुना वहाँ घर में कि literally 3 months पहले Big Boss invite आ गया था या बातें शुरू हो गई थी something like that। दोनों को equal amount of time मिला to prepare, so I think both are prepared. Your top My top 2 is definitely these 2 names, Munawwar and Ankita, and my winner is Munawwar. Okay. Thank you so much, Rinkuji. Thank you so much. Thank you.